हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही डिलिशियस चिकन मंचूरियन बनाने की रेसिपी। जब भी चाइनीज़ की बात करते हैं तो नॉन वेज में सबसे पहले ऑप्शन जो आ जाता है वो होता है चिकन मंचूरियन, और अक्सर तामझाम में ना पड़ने की वजह से इसको हम बाहर से ऑर्डर करना मांगते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, घर पर बनाना इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, जो आज मैं आपके साथ करूँगी शेयर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन नॉन वेज किचन, और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसे शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आप वेज रेसिपीज देखना पसंद करते हैं तो मेरी वेज रेसिपीज के लिए आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, लेकिन बोनलेस चिकन के जो पीसेस होते हैं अक्सर वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो मेन की चिकन मंचूरियन परफेक्ट बनाने की है कि आप इसको बिल्कुल पतले पतले इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लें। तो ये चिकन स्ट्रिप्स मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन की काट कर तैयार कर ली है। इसको शिफ्ट कर लिया एक दूसरे बाउल में। अब सबसे पहले डालते हैं नमक। नमक आपको कम इस्तेमाल करना है क्योंकि आगे हम सोया सॉस डालेंगे जिसमें काफ़ी नमक होता है। एक चम्मच डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और ये एक चम्मच से थोड़ा कम ही लाल मिर्च पाउडर। एक डाल दिया है इसमें हमने अंडा, और ये दो टीस्पून गया है इसमें सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। तीन टेबलस्पून गया है इसमें कॉर्नफ्लावर, और दो टेबलस्पून इसमें गया है मैदा। सब चीज़ों को अब अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, ताकि चिकन के पीसेस पर ये अच्छे से कोट हो जाए। तो ये अंडा डालने का जो मतलब है इसमें, वो एक स्टिकीनेस ऐड करता है जिससे कि जो मैदा और कॉर्नफ्लावर हमने डाला है वो चिपका रहता है चिकन के पीसेस पर। तो ये 15-20 मिनट के लिए अब हम रख देंगे साइड पर, और उसके बाद तेल को करेंगे हम गरम इसको डीप फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छा तेज़ गरम कर लें और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके इसको आप फ्राई कर लें। तो अब कुछ बातें जो फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि चिकन जो है आपको बैचेस में फ्राई करना है, एक साथ सारा चिकन नहीं फ्राई करना है। थोड़े थोड़े चिकन के पीसेस जितना आपका पैन अकोमोडेट कर सकता है उतने ही फ्राई करें आप। और इसको अगर हम बहुत तेज़ आंच करके फ्राई करेंगे तो एकदम से बाहर की कोटिंग ब्राउन हो जाएगी, जो हमें नहीं करना है। हमें अंदर से भी चिकन को कुक करना है, इसलिए मीडियम फ्लेम करके हम इसको कुक करेंगे इवनली चारों साइड से उलट पलट करके, जब तक कि चिकन अच्छा से क्रिस्पी नहीं हो जाता और कुक भी अंदर से हो जाना चाहिए। क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और स्ट्रिप्स में कटा हुआ है तो बहुत जल्दी पक जाता है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम इसको पकने में नहीं लगता है। बस एक बैच जब आपका फ्राई हो जाए तो फिर दूसरा बैच भी इस तरीके से आप डाल दें, और इसको भी उसी तरीके से हमें फ्राई कर कर तैयार कर लेना है जिससे कि हमारे पास थोड़ा क्रिस्पी कुक्ड चिकन इस तरीके से तैयार हो जाए। तो मैंने इन टोटल इसको 3 बैचेस में फ्राई करा है। और आप ऑब्वियसली सुन सकते हैं कि एकदम करारा कुरकुरा सा ये चिकन बनकर तैयार है। अब मैंने एक बाउल में 1.5 कप पानी ले लिया है जिसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। इसलिए मैंने बोला था कि आपको नमक का कम इस्तेमाल करना है क्योंकि हम सोया सॉस अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 2 टेबलस्पून गई है चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, और साथ में ये जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। सब चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी सॉस कौन सी कितनी जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ खाने का मतलब जो होता है वो होता है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। तो बेसिक सी स्लरी बना ली हमने ये सॉसेस के साथ, लेकिन बाद में हम इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आराम से सेट कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं। अब ये 4 टेबलस्पून के करीब तेल को मैंने गर्म करा है जिसमें डाला है 5 से 6 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ में मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियंस थोड़ी सी, और ये 1 मीडियम साइज की फाइनली डाइस की हुई प्याज। सब चीज़ों को फ्लेम को तेज़ करके हम कर रहे हैं स्टर फ्राई। प्याज का यहाँ पर हमें कलर चेंज नहीं होने देना है, इस प्याज का जो है बस कच्चापन चला जाए इतना हम इसको पका लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए बिल्कुल बारीक कटी हुई ये आधी ग्रीन बेल पेपर और बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। तो इसको लगातार चलाते हुए इस तरीके से हम करते जाएंगे स्टर फ्राई, क्योंकि वेजीज को हमें थोड़ा सा कुक करना है, बिल्कुल गलाना भी नहीं है, और हल्का सा इसमें क्रंच रहे इस तरीके का होना चाहिए वेजीज। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मैंने डाल दिया इसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको 2-3 मिनट तक पकाने के बाद इसमें जो कॉर्नफ्लावर का हमने घोल सॉसेस के साथ बनाकर तैयार करा था उसको डाल दें। अच्छे से इसको मिलाकर डालें ताकि कॉर्नफ्लावर जो नीचे बैठ जाता है वो पूरा हम डाल दें कढ़ाई में। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें, देख सकते हैं आप अभी कितना पतला लग रहा है ये, जब आप इसको पकाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। इसका कलर जैसे एनहांस करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें सोया सॉस और डाल रहे हैं, डार्क सोया सॉस। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि बेसिक सा ये घोल बना के रख लेना है आपको, लेकिन जो भी सॉस आपको बाद में ऐड करनी है आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाली है थोड़ी सी डार्क सोया सॉस, इसका कलर बिल्कुल अच्छा लगे इसलिए, और नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। देखिए धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होने लगा है, तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दिखने लगा है ये। अब इसका टेस्ट स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए हमको इसके अंदर डालना है थोड़ी सी माइल्ड स्वीटनेस, जिसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून शहद और 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। तो शहद डालने के बाद आप इसको ज़्यादा नहीं पका सकते, बिल्कुल धीमी आँच कर दें, बिल्कुल जब सॉस थिक हो जाए तब इसमें लास्ट में शहद डालें, और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल दें इस तरीके से जो फ्राइड चिकन है आपका वो, और बस इस थिक सॉस में हम चिकन को कर देंगे कोट, और ये डिलीशियस चिकन मंचूरियन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम करें ऑफ, और देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है ये। तो अब इसको करते हैं हम गर्मा गर्म सर्व। तो ये चिकन मंचूरियन इतना लाजवाब बनता है कि आप इसको सिंपली इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका अमेजिंग कॉम्बिनेशन है फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ, चाउमीन के साथ। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें, बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से टाइम स्पैन में आपको जितनी मैक्सिमम चीज़ें समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, वो बताऊँ, ताकि आप जब इसे ट्राई करें तो आप इंजॉय कर सकें और एक हैप्पी फेस के साथ आप इसे खाएं। तो बस मेरी इस कोशिश के साथ मैं दूसरी रेसिपी आपके पास लेकर हाजिर हो जाऊंगी, तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।